थी उसमें, मैं सबको जानती हूँ, वो 51 सदस्य है, 52 सदस्य है, उनके जा के माइक अड़ाए, अब मीडिया कुछ तो बोलो, हाँ ना, अरे इतना दबता है क्या कोई? राजनीति का भी कोई स्तर होता है, आप बोल दो, आप जो भी सोच रहे हो वो बोल दो, डर किस बात का है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अब आपको लगता है कि आज जो आप यहाँ पर ये पौधे लेकर के बैठे और किसानों को जो आज यहाँ पर समर्थन मिला उसका कोई फायदा होगा? जी, हमारे भाई जो यहाँ धरने पे बैठे हैं, जायज मांग लेकर के बैठे हैं, एक जो गरीब बच्चा बेचारा, उसके साथ संवेदनाएं जिन लोगों की होनी चाहिए उनकी बजाय पैसे वाले और मालदार रसूखदार लोगों के साथ हैं। और मंत्री जी भी जब अपनी संवेदना होनी चाहिए, ये मालदार रसूखदार लोग हैं, ये अपना फिर से अपना जो बिजनेस है उसको फिर से अपने ट्रैक पर ले आएंगे। तो ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं हिसार के राजगुरु मार्केट के रामचार भंडार के सामने से। आपको बता देती हूँ कि शाम को बच्चे की आत्मा की शांति के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए शहरवासियों से अपील है, कैंडल मार्च है यहाँ पे। जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन है जिसकी भावना बच्चे से जुड़ी हुई है वो ही आए, जिसकी भावना इस पूंजीपति के भ्रष्टाचारियों के साथ जुड़ी हुई है वे बिल्कुल ना आए। ये कितने बजे से कितने बजे तक निकाला जाएगा? 7 बजे है, 7 बजे के बाद यहीं तो घूमना है जी। मैडम एक बात बताओ, अपना भारत देश अतिथि देव भव्य के लिए मशहूर है और जाना जाता है, और ये प्रवासी मजदूर अपने गांव में यहाँ इशार में आया हुआ था और ये मीडिया और प्रशासन ये कह रहा था भाई ये घूमने के लिए आया था, तो वो घूमने के लिए आया था तो उसकी डेड बॉडी जब भेजी है तो क्या भारत सरकार का या हरियाणा सरकार का इशार के प्रशासन का कोई आदमी उसके साथ गया है? क्या उसकी डेड बॉडी मान सम्मान के साथ भेजी गई है? हम तो नेपाल सरकार से भी बात कह रहे हैं भाई, वो भी बच्चे के लिए आगे आए, और भारत सरकार भी जो मंत्री इसमें साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। और अभी एक न्यूज़ चैनल पे मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ के कमेटी के एक अधिकारी कह रहे थे भाई कमिश्नर साहब ने तो कह दिया है भाई ये हटाओ, पर मंत्री जी की सिफारिश पे ये लगा हुआ है। आप यूट्यूब चैनल का अभी आया उस पर, वो तो सीधा का सीधा उनका बयान है, आप देख लो, इसके अंदर सारा का सारा ये मंत्री जी का ही खेल है। उनको आगे आना चाहिए और बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। तो ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं हिसार के रामचार भंडार के सामने से, और ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जो है 2 पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि लगातार जो है यहाँ पर जितने भी लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं उनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि अगर एक बच्चा यहाँ पर काम कर रहा था, पहली बात तो यह कि बाल मजदूरी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक ये पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो बच्चा यहाँ पर बाल मजदूरी करता था या फिर वो बच्चा यहाँ पर अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आया था। दूसरी बात यह है कि अगर वो आया भी था तो यहाँ पर दोबारा से इतनी जल्दी टेंट लगा करके काम शुरू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लगातार आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है अभी बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर भारत का कोई बच्चा विदेश में, अगर किसी का अमीर आदमी का, एक मिनट सर, किसी अमीर आदमी का बच्चा अगर विदेश में मर जाए तो सारा भी बंद नहीं हो जाता क्या पूरा? अब ये तो गरीब मजदूर का बच्चा, बताओ दुख है आपको? गोलगप्पे बेचो उसका दुख होता गली में? जिस दिन जवान की डेथ होती है ना, जिस दिन जवान की डेथ होती है अपने घर में, उसके 2 घंटे बाद अपन रोटी खाते है, 2 घंटे खाते रोटी, क्या बात समझ रहे हैं? आज भी काम होता है, आप गलत कर रहे हैं, रोटी खाते हैं प्रशासन पूरा अगर तारा मरता ना और बागे गुआ उड़ा लाला जी। राजगुरु मार्केट का ही व्यक्ति हूँ, क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि दुख की घड़ी में इनकी मदद होनी चाहिए, इनके दुख है बेचारों, ये नहीं है कि जो बच्चा मरे उसके लिए समाज को दुख नहीं है, समाज का हरेक आदमी को दुख है। आज अपने घर में जवान आदमी की डेथ हो जाती है, क्या आप 24 घंटे के बाद आकर रोटी नहीं खाते? क्या आप हम उसके बाद अपना कोई काम नहीं करते? तो ये जो है सीधा लाइव तस्वीरें आपको हिसार के रामचार भंडार के सामने से आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ व्यापारी भी समर्थन के अंदर आ गए हैं और उनका कहना है कि अगर किसी के घर के अंदर डेथ हो जाती है तो क्या 24 घंटे बाद खाना नहीं खाया जाता? क्योंकि अभी जो है रामचार भंडार को दोबारा से उठने की ज़रूरत है, तो इसी वजह से अभी जो है सामने की तरफ टेंट लगाया गया, लेकिन आप देख सकते हैं रामचार
चाट भंडार के टेंट को जो है चारों तरफ से पुलिस बल की प्रोटेक्शन मिली हुई है, ताकि यहाँ पर कोई जो है दोबारा से ऐसा मंजर ना बन जाए कि दोबारा से यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाए। देखिए अभी भी जो है कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जानने की कोशिश कर लेते हैं एक बार बीच के अंदर कितने किसान, एक मिनट पूरी बात हो लड़ दे, कितने किसान की गेहूं जल गई कदे बोल लिया तू, तेरा बड़ा दर्द होया, बड़ा दर्द होया तेरा, सीधी बात कर। तो ये देखिए अभी जो है यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने बच्चे का बहुत दुख है, ये नहीं है कि हमारे को बच्चे का दुख नहीं है, परंतु इस समय ये भी हालत देख लो, कोई ऐसी बात को नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है रामचाट भंडार की तरफ से एक व्यक्ति आए थे स्थिति स्पष्ट करने के लिए, और जैसे ही यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग गया वैसे ही पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौके पर पहुँच गया और सबको हटाने की कोशिशें की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो है स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल के अंदर स्थिति करते हुए यहाँ पर सारे के सारे पुलिस बल दिखाई दे रहे हैं, मार्केट के व्यापारी दिखाई दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बातचीत का माहौल जो है यहाँ पर जारी है, और अभी भी जो है अगर बात की जाए स्थिति की तो आमने सामने जो है ये दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से इकट्ठा हो चुके हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखते हुए ये सभी दुकानदार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पुलिस बल भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जो भी ये बातें कह रहे हैं आपको क्या लगता है कितनी सही है कितनी गलत है? उनकी बात भी सही है, हम ये नहीं कहते कि वे बुरे हैं, 1% भी हम उनको बुरा नहीं मानते, तो इधर भी तो देख लो ये भी बेचारे बच्चे कहाँ थे, ये छोटे छोटे बच्चे 40-40 साल से यहाँ काम करते रहे हैं, मैं इस मार्केट में 40 साल तक दुकान करता रहा हूँ। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको बंद करते तो जो भी यहाँ पर काम करे थे वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे? बेरोजगार भी हो जाएंगे बेटा, वो रोटी कहाँ से खाओगे, वही इन्हीं पे डिपेंडेंट थे, आज मैं मर जाऊँ तो मेरे बच्चे किस पे जीवेंगे? इसी तरीके से इनके साथ बेचारों के साथ, इनके साथ जितना बुरा हुआ ना उतना भगवान किसी के साथ भी ना करे। ये भी आसो लाद वाले हैं, इसके पिताजी रामचाट भंडार के आसाराम जो मालिक थे ना, गरीबों की बहुत मदद करते थे, और हर यो जो फंक्शन होता था कोई रामनवमी यहाँ पे जो भी होता है उसको पानी भी पिलाते हैं, ये फ्री में भगवान राम की झांकी निकलते थे, उनको सबको दूध पिलाते थे, पेड़े खिलाते थे, इज्जत करते थे, आरती उतरवाते थे। ये सारा मार्केट का बच्चा इनसे प्यार करता है और करेगा आगे भी, कोई रुकेगा नहीं। अच्छा, एक बात जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से इसे खंडर करार दे दिया गया, आज के पेपर के अंदर ये स्टोरी छपी है, तो आप ये बताइए अगर कल को दोबारा से यहाँ पर सामने टेंट लगाए कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेवार आप होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, चावड़ा अस्पताल में जाते हैं, अरोड़ा के अस्पताल में जाते हैं, हड्डियाँ जुड़ती है नहीं जुड़ती, ये तो क्या बिल्डिंग है, और इससे भी ज्यादा नुकसान हो जाता तो वो भी रिपेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी इंसान को चोट लग जाती है तो उसका क्या होगा खामियाजा? हम देंगे, हम तो दिलवाएंगे मुआवजा, दिलवाएंगे रामचाट वाले मुआवजा। लेकिन अभी तक नेपाली बच्चे को मुआवजा नहीं मिला? नेपाली बच्चे को भी मुआवजा मिल गया है, दे आर 101% सेटिस्फाइड विद द ओनर ऑफ रामचाट भंडार, इफ दे क्लेम एनीथिंग वी विल पे, वी विल पे। अगर बात की जाए नेपाली बच्चे की तो उनको कितना मुआवजा मिला है? ऐसे है अभी मुझे एग्जैक्ट पोजीशन का नहीं पता, यदि नेपाली बच्चा हमारे पास आएगा, नेपाली बच्चे के पेरेंट्स हमारे पास आएंगे तो हम उनकी पूरी तसल्ली करा के जो चीज भी वो चाहेंगे वो देंगे, एक बच्चा तो हम दे नहीं सकते। आपका नाम? मेरा नाम संजीव गुप्ता है, मैं ओल्ड वकील गारमेंट का मालिक हूँ, राजगुरु मार्केट से ही, और मैं इन बच्चों पे दया करता हूँ, और सारे मार्केट वाले से भी कहता हूँ कि इनके लिए दया की भावना रखें, और आपसे भी कहता हूँ पत्रकार होने के नाते हम तो निष्पक्ष है, हम सिर्फ आपका पक्ष रख सकते हैं, उनका पक्ष रख सकते हैं, हम किसी की साइड नहीं ले सकते। पक्ष पत्रकारिता करो बेटा, कोई बात नहीं, हम कहे भगवान ताला अच्छी शिक्षा देवे, अच्छी बुद्धि देवे, इन बच्चों का इतना कसूर जरूर है कि भाई इनसे अनहोनी होगी, ये अनहोनी किसी साथ भी होगी। इन्होंने ये सीधा लाइव तस्वीरें आप हिसार के रामचार भंडार के सामने से देख सकते हैं, जहां पर दो पक्ष जो है आमने सामने हो चुके हैं, कहीं ना कहीं जो है एक तरफ से कहा जा रहा है कि नेपाली बच्चे को न्याय दिलाने के लिए उनकी जो भी मदद होगी वो की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ से जो है ये कब्जा हटवाने की कोशिशें की जा रही है, जिसकी वजह से धरना यहाँ लगा दिया गया है, किसानों का समर्थन मिलने लगा है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नेपाली बच्चे को कोई भी जो है मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ये सारी अफवाह फैलाई
लगाई जा रही है। खैर, इन बातों के अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो आने वाले समय के अंदर पता लग जाएगा। आपकी जो भी राय है इस बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। क्या आपने किसी भी मंत्री, मेयर या फिर नगर निगम कमिश्नर के मुँह से उस मृत बच्चे के बारे में या उसके मुआवजे के बारे में कुछ सुना हो जो हम नहीं सुन पाए, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के राजगुरु मार्केट से। नमस्कार।